कैसे हो आप सब। ये रहा मेरा नया चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पहले बोला था कि नया चैनल बनाओ, मुझे बहुत जानना है आपका पर्सनल क्या होता है, कैसे कर रहे हो। तो ये रहा वो चैनल। आप लोग इसे भी वैसे ही प्यार दो जैसे आपने वो चैनल को प्यार दिया। वो चैनल मतलब जैसे कि मैं डिगोश श्वेता को प्यार करा। डोंट वरी, वो चैनल बंद नहीं होने वाला, वो चैनल हमेशा ही रहेगा। स्टडीज रिलेटेड की आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगा और बाकी मेरे से रिलेटेड आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहना जैसे आपने उस चैनल में दिया। तो हम लोग जल्दी कंटिन्यू करते हैं कि ये चैनल में आगे क्या होने वाला है, ये व्लॉग में, सॉरी। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं, थोड़ा चमकना तो बनता है। तो मैंने फेस वॉश करा यहाँ पे वाओ का यूज़ करके, उसके बाद मैंने स्क्रब यूज़ करा ताकि फेस का जो पोर्स वगैरह है वो सब खुल जाए और थोड़ा अच्छा हो जाए स्किन यार। और उसके बाद मैं देख रही थी यहाँ पे कि यार थोड़ा ग्लो आया या नहीं आया है यार, आप लोग भी यूज़ करो, अच्छा है। और ये रहा लिप बाम जो मेरा लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने लगाया। फिर मैंने लगाया सनस्क्रीन जो कि दोपहर का टाइम था और बहुत काले हो चुके हैं ऐसे भी हम कोटा वाले स्पेशली। और ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, प्रॉपर मॉइस्चराइज़र तो सबसे मस्ट है यार, क्योंकि उससे थोड़ा स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगा। और ये लगाया मैंने काजल जो मुझे थोड़ा अच्छे से आता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मेकअप का चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, बट मैंने ट्राई करा है इस वीडियो में, तो मजाक मत उड़ाना यार एक्सपीरियंस लोग। और काजल हाँ ये भी बताओ यार लड़कियों आपका क्या हाल है, काजल बिना लगाए कैसा लगता है आँख। और ये लगाया ब्लश, ये टेक्निक मुझे मैंने सीखा था इंस्टाग्राम या कहीं से, मम्मी ने बताया था मुझे। और ये रहा आईलाइनर, इसमें सबसे ज़्यादा बैंड बचता है मेरा, इसलिए मैंने लगाने की कोशिश ज़रूर की थी इस बारी, बट देख लो ऐसा पोपट हुआ, मुझे डर लग गया कि कहीं बिगड़ गया तो आज लेने की देनी हो जाएगी, इसलिए मैं मम्मी से लगवा लेती हूँ जाके। तो ये रहा मेरा कपड़ा आउटफिट जो भी मैं पहनने वाली हूँ आज। उसके बाद आते हैं जल्दी से रेडी होके, और पहन लिए हम लोग इयररिंग्स भी, आईलाइनर भी लगा लिया मैंने। उसके बाद ये रहा शूज़, पहनने के बाद तैयार फुल्ली। तो अब निकलते हैं हम लोग बाहर, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, अब पहले ऑटो पकड़ना है फिर बाकी से मिलना है। निकल गए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और यहाँ पर मैं पहली बार शूट कर रही हूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड तो हो जाते हैं यार, आप लोग भी हो जाते हो रही, तो चलते हैं। तो ये हम लोग निकल गए, पहले ऑटो खोज रही थी मिल नहीं रहा था, एक तो इतना धूप था बाहर, फिर ऑटो फाइनली मिला, टोटो मिला मुझे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, जाते जाते रास्ते में मुझे प्रेरणा भी मिल गई थी, फिर हम लोग वहाँ से चले गए ट्रेंड्स, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह जो करना था करा वहाँ पे। और अभी देख ही रहे हो यार, एक तो मॉल में घुसने के बाद वो एसी का जो ठंडा मिलता है ना, वो धूप वाली रास्ते में चलने के बाद फाइन। ये हम लोग इससे यहाँ पे मिल गए हैं, बाकी लोग से मिलवाते रहोगे आप लोग, तो चलते रहिए यार, क्यों शर्मा रही है इतना। और हम लोगों ने कपड़ा फिर देखा, जो जो पसंद आया वो सेलेक्ट करके रख लिया था, ले लिया था। बाकी फिर हम लोग सोचे कि निकलते हैं अब, क्योंकि दूसरी फ्रेंड भी आने वाली थी और बगल में ही वी मार्ट भी था तो वहाँ भी देखना था। और मैंने कुछ कुछ आउटफिट्स ट्राई करा था जो कि ये मतलब कुछ कुछ था, यही सब मैंने ट्राई करा देखने के लिए, मुझे अच्छा लगा उस हिसाब से मैंने देख लिया। फिर बाहर ही गन्ने का जूस वाला था जहाँ पर ये लोगों ने पिया, फिर यहाँ पर और ये लोग अलग ब्लॉगर बने हुए देख रहे हैं ना। हमारा नौटंकी खत्म हो चुका था वहाँ पे, उसके बाद हम लोग फाइनली घुस भी गए अंदर, और अब हमें ऑर्डर करना था, उससे पहले देखते जाओ अभी क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबको मिल गए हैं। और मेरे पास कूपन था तो हम लोगों ने वो कूपन को अप्लाई करा, जिसके बाद हमें काफ़ी ऑफ मिला। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये कूपन में क्या है, कौन सा किस चीज़ पे ऑफ़र है, तो हम लोगों ने जाके समझ लिया जाके, मतलब उन्होंने समझा दिया हमें, तो उससे थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। बट थोड़ा सा मूड ऑफ इसलिए हो गया था क्योंकि मैं जो चीज़ मांग रही थी उनसे, डेजर्ट हो या आइसक्रीम हो, वो सब बोल रहे थे, थोड़ा ख़त्म हो गया क्योंकि मतलब नेक्स्ट प्रीवियस डे ही पार्टी था वहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। और फिर अब जाके हम लोगों का कुछ कंफर्म हुआ कि चलो डोसा मंगा लेते हैं, और डोसा बहुत अच्छा था, अच्छा लगा सबको। उसके बाद हम लोग का पेट नहीं भरा था फिर भी, तो हम लोग दूसरी जगह आ गए, और दूसरी जगह आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा खाने के बाद भी पेट नहीं भरा था, हमारा पेट में जगह बचा हुआ था। फिर हम लोगों ने गया मोमो में ऑर्डर करा, मतलब मोमो स्टॉल में मोमो ऑर्डर करा, और घर आके गरम गरम मोमो खाया, बहुत टेस्टी था।
और उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ पे फेस क्लीन कर ले रही हूँ मैं, थोड़ा जो भी मेकअप मैंने यूज़ करा था मैंने मंगाया है ताकि फेस पे लगा सकूँ। काफ़ी मैंने ध्यान नहीं दिया था यार नीट के टाइम पे, तो बहुत चीज़ हो चुका है, मेरे दाना दाना भी निकल चुका है, तो मैं जल्दी कुछ लगाती नहीं हूँ। तो मम्मी ने बोला कि स्टार्ट करो कुछ कुछ लगाना, मतलब कुछ कुछ तो नहीं कह सकते, काइंड ऑफ जो चीज़ सूट करे, इसलिए मैं ट्रायल के लगा मतलब मंगाई हूँ। लेट्स सी, लगा के देखते हैं। लगा दिया यहाँ पे, नहीं फील कि इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मुझे कोई कोई चीज़ का फ्रेगरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड ज़्यादा हार्ड भी इसका फ्रेगरेंस नहीं है, और ये गुड वाइब्स का है तो ये ट्रायल के लिए भी अच्छा है। यस लेट्स सी क्या होता है, अब ये मत कहना कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, लेट्स सी यार, बट ये काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग फील कर रहा है यार, आई होप बस काम कर जाए। तो ये व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, होप आप लोग को अच्छा लगा हो, मिलते हैं हम लोग बाद में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ये रहा मेरा पहला व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।